पिता के बाद अब बेटे का निधन, राजीव निगम के बेटे का निधन जन्मदिन पर ली अंतिम सांस। मशहूर सेंट ऑफ कॉमेडियन ऑफ अभिनेता राजीव निगम के 9 साल के बेटे देवराज का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी कॉमेडियन ने खुद ही राजीव का 8 नवंबर को ही जन्मदिन था, लेकिन केक काटने से पहले ही उनके बेटे का इस दुनिया को छोड़ के चले जाना। राजीव निगम इस वक्त बहुत ही बड़े दुख के सदमे में है। बेटे की अचानक हुई मौत से घर में मातम परस गया है। राजीव निगम ने बेटे के निधन पर खुद दुख जताते हुए फेसबुक पर लिखा है, ये कैसे सरप्राइज मिला है मेरे जन्मदिन पर, मेरा बेटा देवराज आज मुझे छोड़कर चला गया है बिना बर्थडे के केक काटे, पगले ऐसा कोई गिफ्ट देता है क्या। राजीव निगम के बेटे देवराज अक्सर बीमार रहते थे। साल 2018 में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वे कुछ दिन आईसीयू में भी रहे थे। जब राजीव ने ऐसे लोगों से प्रार्थना की थी कि उनके बेटे के लिए दुआ कीजिए, इससे पहले 7 अगस्त को राजीव के पिता का भी निधन हो गया था। देवराज के निधन पर कॉमेडियन सुनील पाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने देवराज और राजीव निगम की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, प्यारे दोस्त राजीव निगम के बेटे देवराज के दुनिया से जाने की खबर सुनकर मैं निशब्द हो चुका हूँ। आप सबको क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हम आशा करते हैं कि